में तो है, इसके सामान भी अंदर पड़े हुआ है, मोड़ भी है, ये पूरा मोड़ है, मोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो मोड़ से भी परे है, ये तो गाड़ी मोड़ से नीचे है, ये तो पट्टी से तो परे चल रही है, पूरे रोड को छोड़ दिखाना भाई, बता रहे कि ये शराब पी रहा था और अकेला ही था। वो तो शुक्र है कि जो गाड़ी के अंदर एयर बैग होते हैं वो बैग खुल चुके हैं, गाड़ी स्टेयरिंग बैका हो गया और मैंने गाड़ी रोक दी, और गाड़ी देखते देखते मैंने रोकी तो मैं साथी को बोला दूसरे को, मैं गाड़ी आ गई तो जस्सी मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों फिलहाल की बात करें तो मिर्जपुर गांव में है, और मिर्जपुर गांव से निकलते अगर खेड़ी साइड हम जाते तो एक मोड़ है, उस मोड़ पे फिलहाल हम मौजूद हैं, और एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, अभी रात का समय है और एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत रफ्तार में रोंग साइड में गाड़ी जो आई हुई है वो गाड़ी और पिकअप गाड़ी है, एक बार नंबर और दिखा दे, क्या नंबर है पिकअप गाड़ी का? HR 39A 5011। और जो दूसरी गाड़ी है इसका नंबर है HR 31T 9962, और अभी फिलहाल डायल 112 को कॉल कर दी गई है, कुछ यहाँ के लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार जो है ये हादसा हुआ है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ आप यहीं थे आसपास? तो फिलहाल डायल 112 की गाड़ी भी पहुंच चुकी है भाई, कॉल किया था हमने, कॉल किया था। हाँ जी। गाड़ी आराम से मतलब कोई कच्चा रास्ता है वो से आ रही थी, ये मतलब ये रास्ता गांव में जाता है? हाँ ये रास्ता गांव में आता है कच्चा रास्ता, और गाड़ी मतलब जो रोड की मतलब वो होती है सफेद पट्टी उससे भी परे थी। हाँ। ये गाड़ी खेड़ी की साइड से आ रही थी? हाँ ये गाड़ी खेड़ी की साइड से आ रही थी। ठीक है। ये इतने शराब पिए हुए है बहुत ज्यादा, गाड़ी के अंदर अभी गिलास सब कुछ मतलब इसके अंदर है। अच्छा, मतलब गाड़ी के अंदर अभी भी जो नमकीन वगैरह या गिलास वगैरह सब मतलब इसके अंदर है। हाँ। सब शराब मतलब थोड़ी घनी शराब भी मिलेगी। अभी चोट तो नहीं लगी किसी को? अभी चोट तो लगी, इसको लेके गए हैं, क्या कितनी लगी कितनी ना लगी। अच्छा। हाँ नमस्कार जी। आपने किया था फोन? हाँ जी फोन मैंने किया था। तो दर्शकों फिलहाल डायल 112 की गाड़ी भी मौके पर यहाँ पर पहुंच चुकी है, और ऐसा हिसाब तो फिलहाल चोट फिलहाल बता रहे हैं कि लगी नहीं किसी को, थोड़ी बहुत लगी तो उसको ड्राइवर को, जो कौन सी गाड़ी है? अकेला ही तो था, अकेला ही था ये, अकेला ही। और बता रहे हैं वही गाड़ी में अभी भी कैमरामैन साथी को एक बार पास आके दिखाए कि शराब पी रहा था गाड़ी के अंदर ही, गिलास वगैरह भी बता रहे हैं कि इसके अंदर है, और रोंग साइड में आकर के जो है इसने जो है ये हादसा किया है। एक बार अंदर से दिखाना भाई, बता रहे कि ये शराब पी रहा था और अकेला ही था। तो शुक्र है कि जो गाड़ी के अंदर एयर बैग होते हैं वो बैग खुल चुके हैं, और शायद चोट इतनी नहीं लगी होंगी, माड़ी मोटी लगी होगी, लेकिन जो पिकअप का ड्राइवर है हम उनसे भी एक बार बात करेंगे। मिर्जपुर गांव खेड़ी की साइड जब हम जाते हैं उरली अड्डे से, तो उस मोड़ के ऊपर जो है ये घटना हुई है। पिकअप का ड्राइवर कहाँ है? हाँ जी पिकअप आप चला रहे थे? पिकअप पिकअप का ड्राइवर कौन सा है? पिकअप का ड्राइवर? हाँ जी आप वो पिकअप का ड्राइवर। तो कैसे मतलब ये हादसा हुआ एकदम से? ये हादसा जी मैं गांव की तरफ से आ रहा था, मिर्जपुर गांव से आप रोड पे आ रहे थे, कौन सा गांव आपका? खेड़ी चौपटा जी। अच्छा। खेड़ी की तरफ जा रहा था। हाँ। और ये खेड़ी तरफ से आ रही थी, मिर्जपुर साइड जा रही थी। ठीक है। और तो इसको मैंने देखा गाड़ी स्टेयरिंग बैका हो गया। अच्छा। और मैंने गाड़ी रोक दी, और गाड़ी देखते देखते मैंने रोकी तो मैं साथी को बोला दूसरे को, मैं गाड़ी आ गई, तो गाड़ी आते ही उसको ठोकर मारी, एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक्सीडेंट हो गया। आपके साथ और भी था कोई? हाँ, मेरे साथ। आ, इसके साथ कई हैं, पांच जने इस गाड़ी में कई थे। हाँ, आपको तो किसी को चोट नहीं लगी? किसी को नहीं लगी। अच्छा। और जो इस गाड़ी में ड्राइवर था उसको? उसको जी थोड़ी मोटी चोट आई होगी। अच्छा। उसके वैसे तो एयर बैग भी खुल चुके हैं ना? हाँ। तो आसपास के लोग भी थे बता रहे थे कि बहुत ज्यादा आवाज आई थी, कहाँ गया वो लड़का? हाँ जी है? आप नहीं थे यहाँ पे उस टाइम पे? अच्छा। तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी ये आवाज धमाका जैसे हुआ है वो सुना था। आप यहीं थे? हाँ हाँ। अच्छा, इस फैक्ट्री में? हाँ हाँ। अच्छा, मतलब यहाँ से गाड़ी आ रही थी ये? हाँ जी। मतलब कच्चे कमे से? हाँ जी। और गाड़ी मतलब रोड पर चढ़ी भी धोली पट्टी से उधर खड़ी है, आपने भी देखा है? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, धोली पट्टी से इधर है गाड़ी, ये आका बैका मतलब गाड़ी आ रही थी इसके मैं ठोक दिया अंदर। क्या लगता है आपको, नशे की हालत में हुआ? नशे की हालत में तो है, इसके सामान भी अंदर पड़े हुआ है, मोड़ भी है, ये पूरा मोड़ है, मोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो मोड़ से भी परे है, ये तो गाड़ी मोड़ से नीचे है, पट्टी से तो परे चल रही है, पूरे रोड को छोड़ रही है, ये तो गाड़ी बिल्कुल कच्चे में है, ये धोली पट्टी से तो परे है, कितनी परे है आप भी देखो। जी जी जी। 4-5 फुट का तो इसका अभी फैसला है, रोंग साइड। ये कहाँ ये गाड़ी कहाँ चली हुई है? तो बिल्कुल पूरी रोंग साइड है। हाँ, पूरी 4-5 फुट का इसका फैसला है।
तो मतलब ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन भी देखो जब शराब पी के गाड़ी चलाते हैं रोकते भी प्रशासन भी चलान भी करते हैं ऐसे करते हैं, मतलब ये इन लोगों को तो पकड़ा जाए बिल्कुल, ये तो दूसरे का भी, ये तो सही दिशा में आ रहे थे और बिल्कुल आराम से बिल्कुल को भी नुकसान पहुंचा दिया। में पांच आदमी थे, ये तो पांच आदमियों की भी जान जा सकती थी। हाँ जी, आप इसी गांव से? हाँ गांव में से हो लेकिन बाद में आए हो? हाँ बाद में आया। अच्छा, इनका पता लगा ये गाड़ी वाले कहाँ के थे? नहीं अभी पता नहीं लगा। गाड़ी है, दर्शकों को कहेंगे कभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो और एक अपील भी करना चाहेंगे कि आप दिन हो चाहे रात हो लेकिन शराब पी के कभी गाड़ी ना चलाएं। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि शराब पी करके कभी गाड़ी ना चलाएं और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।